हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट स्टडी व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। यूजुअली मेरे उठने का टाइम यही होता है, तो अभी मैं सबसे पहले फ्रेश नप होऊंगी, हैंड वॉश करूंगी और ब्रश करूंगी। एंड देखिए, इस टाइम मैं इतनी नींद में हूँ कि मैंने अपनी फ्रेंड का ब्रश उठा लिया और वो मेरी वीडियो बना रही थी और हंसने लगी। और अब मैंने अपना ब्रश ले लिया है। ब्रश करने के बाद मैं थोड़ी देर वॉक करने के लिए बालकनी में आ गई। और आप सब भी देखिए इस टाइम कितना अच्छा व्यू है। थोड़ी देर मैंने 5 मिनट के लिए वॉक की। अंदर आने के बाद मैंने सबसे पहले अपना बेड ठीक किया। सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करना हमारे डेली रूटीन में होना ही चाहिए। आफ्टर दैट मैंने पानी पीने के लिए पानी गर्म किया है। मैं सुबह उठते ही एटलीस्ट एक गिलास गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। पानी पीने के बाद मैंने बादाम खाए जो मैंने रात को भिगो के रखे थे। फिर रात के खाने के काफ़ी बर्तन थे जो मैंने धोए। बर्तन धोने के बाद रूम की सफाई की। पढ़ाई करने के लिए रूम का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। सफाई होने के बाद अब टाइम है ब्रेकफास्ट का, तो मैं नीचे दूध लेने के लिए जा रही हूँ। और हाँ, मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ तो मुझे काफ़ी नीचे जाना पड़ता है, और एक गली छोड़ के ही दूध की शॉप है। तो आज मैं लेके आई हूँ दूध और एक रस का पैकेट। आज का मेरा ब्रेकफास्ट यही रहने वाला है। अब मैं बनाऊँगी चाय। ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है और अभी बज रहे हैं सुबह के 7, तो मैं अपनी स्टडी का फर्स्ट लोड शुरू करूंगी। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं करती हूँ करंट अफेयर्स, और ये मैं आशीष गौतम सर की जो डेली वीडियोस आती हैं उनसे करती हूँ। एक घंटा करंट अफेयर्स करने के बाद मैं कर रही हूँ रीजनिंग। इसमें मैं पजल सॉल्व करूँगी और ये मैं अंकुश लांबा सर की वीडियो से कर रही हूँ। क्लास मैंने कर ली है, अभी 10 बज चुके हैं और अभी मैं लूँगी छोटा सा फ्रूट ब्रेक। और फ्रूट में आज है मेरे पास एप्पल। अभी मैं आ गई हूँ दोबारा पढ़ने के लिए, और अभी मैं नीचे फ्लोर पे मेट बिछा के पढ़ रही हूँ। ऐसे पढ़ने से मुझे आलस नहीं आता, और सच बताऊं तो मुझे ऐसे बैठ के पढ़ना ही सबसे अच्छा लगता है। अब मैं पढ़ूंगी इंग्लिश। इसमें मैं नाउन का चैप्टर कंप्लीट करूंगी और 50 क्वेश्चंस एरर के सॉल्व करूंगी।
उसके बाद मैंने 30 मिनट वो कैब को दिया है। अभी बज चुके हैं 12, तो मेरी स्टडी का फर्स्ट लोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब टाइम है लंच का। मैं और मेरी फ्रेंड खाना खुद ही बनाते हैं, तो मुझे अपना टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है। आज मैं बना रही हूँ भिंडी। अभी मैं रोटी बनाने के लिए आटा लगा रही हूँ। सब्जी मेरी बन चुकी है, अभी मैं बनाऊंगी रोटियाँ। लंच के बाद काफ़ी बर्तन हो गए थे, तो ये मैंने साथ ही धो दिए हैं। लंच और बर्तन वगैरह करने में मुझे अप्रोक्स 2 घंटे लग गए और अब मैं 1 घंटा रेस्ट करूँगी। 1 hour later 3:15 के अराउंड मैं उठी और खुद को थोड़ा रिफ्रेश किया और अब मैं करूँगी मैथ्स। मैं आशीष अरोड़ा सर की क्लास से प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। मैथ्स की क्लास ख़त्म की, तब तक 5 बज गए और मेरा मन हुआ चाय पीने का, तो पहले मैं बनाऊंगी चाय। इस टाइम तक मुझे थोड़ी भूख भी लग गई थी और मैंने चाय के साथ बिस्किट और छोटा नमकीन का पैकेट लिया है। अब मैं लगाऊंगी मोक। मोक जो है हमारे प्रिपरेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इससे हम अपनी परफॉर्मेंस चेक कर पाते हैं और इसी से हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है। मॉक कंप्लीट करने तक 6:30 हो गए, फिर उसी टाइम मैंने 30 मिनट में एक रफ एनालिसिस लिया। ये स्लॉट मैंने 7 बजे तक का रखा था, बट जैसे कि आप देख रहे हैं टाइम 7 से ऊपर हो गया। मेरी सीटिंग थोड़ी लंबी हो गई थी, तो मैं थोड़ी देर बालकनी में वॉक करूंगी। अब मैं बनाऊंगी डिनर। पहले मैंने सिर्फ तुर्की दाल और रोटी बनाने का ही सोचा था, फिर मेरी फ्रेंड का मन हुआ मीठे चावल खाने का, तो हमने फिर थोड़े से चावल भी बना लिए। ये चावल गुड़ और घी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए मेरी थाली तैयार है।
जब तक डिनर हुआ टाइम 8:45 हो गया। उसके बाद मैंने 15 मिनट बालकनी में ही वॉक की। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी का थर्ड स्लॉट शुरू किया। मोस्टली ये स्लॉट मैं रिवीजन का रखती हूँ। सुबह के टाइम मैं डेली के करंट अफेयर्स कवर करती हूँ और इस टाइम मैं प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स पीडीएफ से रिवाइज करती हूँ। उसके बाद जो वो कैब मैंने कॉपी में नोट की हुई होती हैं उन सब को रिवाइज करती हूँ। ये स्लॉट मेरा 2 घंटे का होता है और अब बज चुके हैं 11 और मुझे नींद भी आने लगी है। सो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट प्रोडक्टिव व्लॉग में। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरा रूटीन कैसा लगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय एंड टेक केयर।